हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो हम सीखने जा रहे हैं डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन इन आरएचएल 7। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीएचसीपी सर्वर होता क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से या फिर किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए उसे आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। किसी भी कंप्यूटर को आईपी एड्रेस हम दो तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला मेथड है मैन्युअली, दूसरा मेथड है ऑटोमेटिकली। मैन्युअल मेथड तब आपको यूज करना है जब आप किसी स्मॉल नेटवर्क में वर्क कर रहे हैं। स्मॉल नेटवर्क का मतलब है कि आपके नेटवर्क में 5 या 10 कंप्यूटर कनेक्ट हैं। यदि आप किसी बड़े नेटवर्क में सभी पीसी का आईपी कॉन्फ़िगरेशन आप मैन्युअली कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे आप ऐसे किसी नेटवर्क में काम कर रहे हैं जिसमें 100 पीसी कनेक्ट हैं। यदि आप उस नेटवर्क में मैन्युअली मेथड यूज कर रहे हैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो उस नेटवर्क में आपको 100 पीसी को 1 by 1 आईपी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। पहला प्रॉब्लम तो ये आएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये रहेगा कि उस नेटवर्क में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी तक आपने कौन कौन से आईपी एड्रेस यूज कर लिए हैं और कौन सा आईपी एड्रेस अभी यूज करना बाकी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप उस नेटवर्क में किसी कंप्यूटर को डुप्लीकेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दें। यदि आप किसी कंप्यूटर को डुप्लीकेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं तो वह दोनों पीसी उस नेटवर्क से बाहर निकल जाएंगे, वो दोनों पीसी उस नेटवर्क का पार्ट नहीं रहेंगे। तो यदि आप किसी बड़े नेटवर्क में मैन्युअली मेथड यूज कर रहे हैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, उस नेटवर्क को मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीएचसीपी सर्वर का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीएचसीपी सर्वर होता क्या है। डीएचसीपी का पूरा नाम होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट ऑटोमेटिकली असाइन टीसीपी आईपी इंफॉर्मेशन टू क्लाइंट मशीन्स। डीएचसीपी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट मशीन को ऑटोमेटिकली टीसीपी आईपी इंफॉर्मेशन असाइन करता है। यदि किसी नेटवर्क में आप डीएचसीपी सर्वर का यूज कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि आपको 1 by 1 सभी पीसी का आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही जगह से सभी क्लाइंट मशीन का आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इसका फायदा यह हुआ कि आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। दूसरा फायदा यह है कि डीएचसीपी सर्वर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब आप एक ही जगह से सभी क्लाइंट मशीन का आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का फायदा यह हुआ कि आप एक ही जगह से ये चेक कर सकते हैं कि किस क्लाइंट मशीन को कौन सा आईपी एड्रेस असाइन हुआ है। आपको पर्टिकुलर क्लाइंट मशीन पर जाके चेक करने की जरूरत नहीं है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। आप डीएचसीपी सर्वर से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि किस क्लाइंट मशीन को कौन सा आईपी एड्रेस असाइन हुआ है। तीसरा फायदा यह है कि डीएचसीपी सर्वर किसी भी क्लाइंट मशीन को डुप्लीकेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये थे डीएचसीपी सर्वर के बेनिफिट। अब बात करते हैं डीएचसीपी सर्वर वर्क कैसे करता है। डीएचसीपी सर्वर 2 पोर्ट नंबर यूज करता है, यूडीपी 67 और यूडीपी 68। चलिए देखते हैं हाउ डीएचसीपी वर्क्स। जैसे ये हमारा डीएचसीपी सर्वर है और ये क्लाइंट मशीन है। तो जैसे हम किसी कंप्यूटर को चालू करते हैं तो सबसे पहले वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट होने की ट्राई करता है। तो नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए उस आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि उसका आईपी एड्रेस क्या है। तो अगर आपने मैन्युअली असाइन कर रखा है तो डायरेक्टली वो चेक करेगा कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है और डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा।
अगर उसे आईपी एड्रेस मैन्युअली असाइन नहीं किया है तब वह क्या चेक करेगा कि उस नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर कौन है। सबसे पहले फाइंड करेगा कि उस नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर कौन है जो मुझे आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है। तो इसके लिए वह मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा जिसको बोलते हैं डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज। अब इस मैसेज में क्या होगा, देखिए ये मैसेज क्या करता है, व्हेन द क्लाइंट कंप्यूटर बूट्स अप और कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, जैसे ही हम क्लाइंट कंप्यूटर को चालू करते हैं, ए डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज इज सेंड फ्रॉम द क्लाइंट टू डीएचसीपी सर्वर। तो जैसे ही क्लाइंट कंप्यूटर को हम चालू करते हैं तो वह एक डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज सेंड करता है डीएचसीपी सर्वर को, और इस मैसेज के लिए वह यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करता है और पोर्ट नंबर यूज करता है 67। और इस मैसेज में जो आईपी एड्रेस यूज होता है वो होता है सोर्स एड्रेस होता है 0.0.0.0 और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है 2.5.2.5.2.5.2.5। जैसे ही ये मैसेज डीएचसीपी सर्वर के पास में पहुंचता है तो डीएचसीपी सर्वर रिटर्न में एक डीएचसीपी ऑफर मैसेज उस क्लाइंट को सेंड करता है। When the DHCP server receives the DHCP discover request message, then it replies with the DHCP open message. This message contains all the network configuration settings required by the client. In this case, also UDP protocol used at the transport layer with destination port H68. So, DHCP open message में कौन सी information होती है? इस message में network configuration की सारी setting होती है जो उस client computer को चाहिए। जैसे उसको IP address क्या चाहिए, subnet mask, default gateway, DNS server, ये सारी डिटेल उस मैसेज में होती है। और वह एक ऑफर मैसेज प्रोवाइड करता है कि ये आईपी एड्रेस मेरा फ्री है, और इस मैसेज के लिए भी यूडीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, और इस मैसेज को सेंड करने के लिए डीएचसीपी सर्वर पोर्ट नंबर 68 यूज करता है। अब जैसे ही डीएचसीपी ऑफर मैसेज क्लाइंट कंप्यूटर को सेंड होता है तब क्लाइंट कंप्यूटर इस ऑफर मैसेज के रिप्लाई में डीएचसीपी रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करता है कि ये आईपी एड्रेस मुझे असाइन कीजिए। द क्लाइंट फॉर्म्स ए डीएचसीपी रिक्वेस्ट मैसेज इन रिप्लाई टू डीएचसीपी ऑफर मैसेज एंड सेंड इट टू द सर्वर इंडिकेटिंग द इट वांट टू एक्सेप्ट द नेटवर्क कॉन्फिगर सेंट इन द डीएचसीपी ऑफर मैसेज। क्लाइंट कंपनी बताता है कि जो आपने मुझे ऑफर सेंड किया है वो मुझे एक्सेप्ट है। उसके बाद में डीएचसीपी सर्वर डीएचसीपी एक्नोलेजमेंट सेंड करता है डीएचसीपी क्लाइंट को कि चलिए ये आईपी एड्रेस आपको असाइन कर देता हूं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है चार स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला मैसेज होता है डिस्कवर, दूसरा होता है ऑफर, तीसरा होता है रिक्वेस्ट और चौथा होता है एसीके एक्नोलेजमेंट। तो इसे बोलते हैं डीएचसीपी डोरा प्रोसेस, DORA, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एसीके। तो इस तरह डीएचसीपी सर्वर वर्क करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फिगर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं मशीन में, तो मैं रूट यूजर से लॉगिन कर रहा हूं। तो यह हमारा यम सर्वर है जो हमने लास्ट वीडियो में कॉन्फिगर किया था। हम इसी यम सर्वर को डीएचसीपी सर्वर भी बना रहे हैं, यानी इसी मशीन को हम एज ए डीएचसीपी सर्वर कॉन्फिगर करेंगे। तो सबसे पहले टर्मिनल ओपन कीजिए और उसके बाद सबसे पहले इस मशीन का आईपी कॉन्फिगरेशन चेक कर लीजिए। तो आईपी कॉन्फिगरेशन चेक करने के लिए कमांड यूज होता है इफ कॉन्फिग। तो इस मशीन का आईपी कॉन्फ़िगरेशन है 172.18.209.9। इसका होस्ट नेम चेक कर लीजिए। इसका होस्ट नेम चेक करने के लिए कमांड है होस्ट नेम CTL। तो इस मशीन का होस्ट नेम है sre.mysolutions.com। तो डीएचसीपी सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन का सबसे पहला स्टेप है कि आप डीएचसीपी का पैकेज इंस्टॉल कीजिए। तो डीएचसीपी पैकेज आप दो तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, पहला RPM कमांड की सहायता से, दूसरा यम सर्वर की सहायता से। तो अगर आपके नेटवर्क में यम सर्वर कॉन्फिगर है तो आप यम सर्वर के थ्रू भी डीएचसीपी सर्वर का पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आपने यम सर्वर कॉन्फिगर नहीं कर रखा है अपने नेटवर्क में तो आपको RPM कमांड की सहायता से डीएचसीपी का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अभी
हमने इसी मशीन को यम सर्वर के रूप में कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो हमें आत्म कमांड की जरूरत नहीं है, हम यम सर्वर की सहायता से डीएचसीपी का पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो यम सर्वर की सहायता से अगर आपको डीएचसीपी का पैकेज इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको कमांड लिखना है यम इंस्टॉल डीएचसीपी स्टार। तो स्टार इसलिए लिखा है कि डीएचसीपी के जितने पैकेज एक साथ इंस्टॉल हो जाएं, हमें वन बाय वन सभी को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। देखिए अब इसको डीएचसीपी के तीन पैकेज मिले हैं, डीएचसीपी, डीएचसीपी कॉमन, डीएचसीपी लिप्स। अभी पूछ रहा है इट दिस ओके, क्या सही है? तो अगर सही है तो आपको वाई प्रेस करना है और एंटर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले इसने डाउनलोड किए पैकेज और उसके बाद ये इसने इंस्टॉल कर दिया, तो हमारा डीएचसीपी पैकेज इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप वेरीफाई कर लीजिए कि डीएचसीपी पैकेज इंस्टॉल हुए हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है आरपीएम हाइपन क्यू ए स्पेस पाइप ग्रेप हाइपन आई स्पेस डीएचसीपी स्टार। तो देखिए इस मशीन में डीएचसीपी का पैकेज इंस्टॉल है, ये यहाँ पर लिस्ट आउट कर रहा है, तीन जो भी पैकेज इसमें डीएचसीपी इंस्टॉल है वो सारे यहाँ पर बता रहा है कि कौन कौन से पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल है। जो वहां पर हमें डिस्प्ले हुए थे तीन पैकेज, वो तीन पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं और यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप है डीएचसीपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को आपको कॉपी करना है स्लैश यूजर स्लैश शेयर स्लैश डॉक से स्लैश डीएचसीपी डी से स्लैश एटीसी स्लैश डीएचसीपी के अंदर आपको कॉपी करना है। तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे सीपी स्लैश यूजर यूएसआर स्लैश शेयर स्लैश डॉक स्लैश डीएचसीपी डी डीएचसीपी हाइपन 4.2.5 और उसके बाद कौन से फाइल कॉपी करनी है आपको dscpd.conf.example, ये आपको कहां पर कॉपी करनी है स्लैश etc dscp के अंदर dscpd.conf etc के अंदर dscp के अंदर dscp.conf नाम से आपको कॉपी करनी है, फिर एंटर प्रेस कीजिए। अभी पूछ रहा है कि आप ओवरराइट करना चाहते हैं, तो स्लैश etc के अंदर स्लैश dscp के अंदर ये फाइल पहले से अवेलेबल है, इसलिए पूछ रहा है कि आपको ओवरराइट करना है या नहीं। तो मुझे ओवरराइट करना है, इसमें वाई प्रेस करता हूं और एंटर, तो देखिए ओवरराइट हो गई। उसके बाद आपको जाना है स्लैश etc स्लैश dscp के अंदर और इसका कंटेंट लिस्ट आउट कर लीजिए ls-l कमांड की सहायता से, और उसके बाद इस फाइल को हमें एडिट करना है dscp.conf को। तो इसके लिए हम कमांड लिखेंगे vim स्लैश dscpd.conf। तो देखिए ये उसका कॉन्फिगरेशन बता रहा है उस फाइल का। अब इसमें आपको क्या करना है, अब नीचे जाइए, देखिए आपको पहले से कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिलेगा आपको, देखिए ये बन रहा है। तो ये सब बता रखा है कि किस कब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है, तो आप ये पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। देखिए दिस डिक्लेरेशन अलाउ बूट पी क्लाइंट टू गेट डायनेमिक एड्रेस, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी हमें जरूरत है इसकी, तो सबसे पहले इंसर्ट मोड में जाइए, इंसर्ट मोड में जाने के लिए आई प्रेस कीजिए और उसके बाद ये जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है इसको कॉपी कर लीजिए और उसके बाद सबसे नीचे जाइए और यहां पर उसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट कर लीजिए और इसको एडिट कर लीजिए अपने सबनेट के हिसाब से। तो हमारा जो सबनेट आईपी एड्रेस था इस मशीन का 172.18.209.9 और सबनेट मास्क था 2.5.2.5.2.0, तो हमारा नेटवर्क एड्रेस बनेगा 172.18.209.0 और सबनेट मास्क है हमारा 2.5.2.5.2.5.0। उसके बाद ये पूछ रहा है रेंज, यानी किस रेंज से आप डीएचसीपी क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो मैं यहां पर रेंज अलोकेट कर रहा हूं 172.18.209.50 से 172.18.209.60, यानी क्लाइंट कंप्यूटर को मैं इस रेंज में आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहता हूं 50 से लेकर के 60, यानी 11 आईपी एड्रेस में प्रोवाइड करना चाहता हूं, यानी 11 क्लाइंट को मैं आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहता हूं। उसके बाद यहां पर देखिए
डोमेन नेम पूछ रहा है, ये रहा डोमेन नेम। तो यहां पर आपको आपके डोमेन का नेम लिखना है, माय सॉल्यूशंस, तो हमारे डोमेन का नाम है mysolution.com। अब यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डोमेन हाइपन नेम हाइपन सर्वर्स, तो यहां पर आपको डेस जो आपका डीएनएस सर्वर है, तो यहां पर आपको आपके नेटवर्क में जो डीएनएस सर्वर काम कर रहा है, जो डीएनएस जो मशीन डीएनएस सर्वर का रोल प्ले कर रहा है, उसका एपक्यूडीएन आपको यहां पर टाइप करना है, या फिर उसका आईपी एड्रेस आपको यहां पर टाइप करना है। तो मैं इसको हटा करके यहां पर हमारा जो डीएनएस सर्वर है उसका आईपी एड्रेस मैं यहां पर लिख देता हूं, 18.209.9। उसके बाद राउटर्स, तो हमारा यानी यहां पर आपको जो डिफॉल्ट गेटवे है जो राउटर है उसका एड्रेस आपको यहां पर टाइप करना है। तो अभी हमारा डिफॉल्ट गेटवे यही हम मान रहे हैं, और उसके बाद यहां पर ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो आपके नेटवर्क का जो भी ब्रॉडकास्ट एड्रेस है इसका वो आपको यहां पर टाइप करना है। तो हमारे नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है ये 172.18.209.255। उसके बाद इस फाइल को आपको सेव कर लेना है, एस्केप कोलन डब्ल्यू क्यू और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो फाइल सेव हो गई, उसके बाद क्लियर कमांड यूज कीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है कि डीएचसीपी डी की जो सर्विस है वो रनिंग है या नहीं। तो इसके लिए आपको कमांड लिखना है सिस्टम सीटीएल स्टेटस डीएचसीपी डी डॉट सर्विस। तो देखिए अभी इनएक्टिव बता रहा है, यानी डीएचसीपी डी की जो सर्विस है वो अभी बंद है। तो इसको रन करने के लिए आपको कमांड यूज करना है सिस्टम सीटीएल स्टार्ट dhcpd.service। तो सर्विस स्टार्ट हो गई, उसके बाद आपको चेक करने के लिए फिर से वही कमांड एग्जीक्यूट कीजिए स्टेटस। तो यहां पर आपको देखिए बता रहा है एक्टिव यानी रनिंग है, तो आपका जो DHCP सर्वर है वो कॉन्फिगर हो गया है और dhcpd की जो सर्विस है वो भी रनिंग है। अब आपको क्या करना है, क्लाइंट मशीन पर जाना है और उसको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस इस डीएचसीपी सर्वर के थ्रू आपको प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए हम एक मशीन चालू करते हैं, यम क्लाइंट, ये मशीन चालू हो रहा है तब तक देखिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन वीएमवेयर, फिजिकल मशीन में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आपको जो वर्चुअल मशीन आप यूज कर रहे हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है, नेटवर्क सेटिंग आप ध्यान रखनी है। नेटवर्क एडाप्टर मैंने अभी होस्ट ओनली कर रखा है, अगर आप नेट कर रखा है तो हो सकता है आपका जो डीएचपी सर्वर है उससे जो डीएचपी क्लाइंट है उनको आईपी एड्रेस ना मिले। तो आपको क्या करना है, यहां से सेटिंग चेंज कर लेना है, होस्ट ओनली कर देना, या फिर आप कस्टम भी यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं होस्ट ओनली यूज कर रहा हूं, इसमें भी आपको होस्ट ओनली करना है। देखिए मैंने होस्ट ओनली पहले से कर रखा है, चलिए मशीन स्टार्ट हो गया है। अब सबसे पहले इसमें लॉगिन कर लीजिए, तो मैं लॉगिन कर रहा हूं रूट यूजर से और उसका पासवर्ड यहां पे असाइन कर रहा हूं। सबसे पहले टर्मिनल ओपन कीजिए और इसका करंट कॉन्फ़िगरेशन, करंट आईपी कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कीजिए। तो इसका करंट आईपी कॉन्फ़िगरेशन है 172.18.209.10 ये वाला। अब ये जो आईपी एड्रेस है इसे मैन्युअली असाइन किया गया है, अब इसे डीएचसीपी सर्वर के थ्रू आईपी एड्रेस असाइन करना है हमें। अभी हमने इसे मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन किया है, अब हमें इसे क्या करना है, डीएचसीपी सर्वर के थ्रू इसे आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको सिस्टम टूल्स पर जाना है, और उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेटवर्क पर क्लिक करना है और उसके बाद ये प्रोफाइल देखिए पहले से यहां पर क्रिएटेड है, तो यहां पर जो ये बटन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है।
और इस पर आप इसमें आपको जाना है आईपी वर्जन 4 और यहां पर देखिए इसको आईपी एड्रेस मैन्युअल असाइन है, तो इसको आपको हटा करके आपको यह करना है ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसको अप्लाई कर देना है। अब इसको आप डिसेबल कीजिए और फिर से इनेबल कीजिए, तब ये सर्च करेगा, पहले सबसे पहले डीएचसीपी सर्वर फाइंड आउट करेगा और उसके बाद में जो हमने डोरा प्रोसेस हमने देखा था वो एक पूरा प्रोसेस होगा। उसके बाद इसको आईपी एड्रेस असाइन, देखिए इसको एक आईपी एड्रेस असाइन हो गया है 172.18.209.51। ये यहां पर देखिए आप डीएचसीपी सर्वर में जाइए आप और लॉग इन कीजिए। अब यहां पर देखिए वो जो प्रोसेस दोबारा प्रोसेस था उसे आपको चेक करना है, तो उसके लिए आपको यहां पर ये कमांड एग्जीक्यूट करना है स्टेटस वाला। तो देखिए वहां से ये जो दोबारा प्रोसेस हमने देखा था उस क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट सेंड की डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज और उसके बाद में इसने ऑफर मैसेज सेंड किया और उसके बाद में इसने डीएचसीपी रिक्वेस्ट मैसेज सेंड किया था। उसके बाद में डीएचसीपी एक्नोलेजमेंट मिला, उसमें फिर से रिक्वेस्ट मैसेज सेंड हुआ, फिर से एक्नोलेजमेंट सेंड हुआ और उसके बाद डीएचसीपी ऑफर देखिए यहाँ पर 51 सेंड हुआ, तो फिर उसके बाद में इसको डीएचसीपी एक्नोलेजमेंट 51 के लिए मिला। तो इस क्लाइंट कंप्यूटर को कौन सा आईपी एड्रेस असाइन हुआ है 51। इसको क्लोज कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िगरेशन चेक कीजिए। इफ कॉन्फिग, अब यहाँ पर देखिए इसको जो आईपी एड्रेस असाइन हुआ है वो है 172.18.209.51। ये आईपी एड्रेस उसको असाइन हो गया है डीएचसीपी सर्वर के थ्रू और उसमें जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस असाइन किया था वो देखिए वो यहाँ पे इसको मिल रहा है, सबनेट मास्क ये सब चीजें उसको मिल रही हैं। तो इस तरह आप डीएचसीपी सर्वर के थ्रू किसी क्लाइंट कंप्यूटर का आईपी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो हमने सीखा कि डीएचसीपी सर्वर क्या होता है, डीएचसीपी सर्वर कॉन्फिगर कैसे करते हैं, डीएचसीपी का फायदा क्या है और डीएचसीपी सर्वर के थ्रू क्लाइंट मशीन को आईपी कैसे असाइन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मैक एड्रेस बाइंड करना सीखेंगे कि जैसे अभी जो इसको आईपी एड्रेस असाइन हुआ है वो हमने जो पूल बनाया था 50 से लेकर के 60 तक, उसमें से कोई भी आईपी इसको असाइन हो सकता जो भी फ्री रहेगा। तो हमें क्या करना है, फिक्स एड्रेस प्रोवाइड करना है। जैसे मैं चाहता हूं कि ये जो क्लाइंट है इसको 55 वाला एड्रेस ही असाइन हो, इसके अलावा कोई दूसरा आईपी एड्रेस असाइन ना हो, तो उसे बोलते हैं मैक बाइंडिंग। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।